So hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Ningwal Chandra. In this video, I'm gonna share कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपना अकोमोडेशन कैसे लिया एंड यहाँ पे मेरे कोई भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नहीं था और जो अकोमोडेशन मैंने लिया है वो खुद से ही बुक किया. आई विल टेल यू कि मैंने कहाँ से किया और आप कैसे कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइक अलग अलग तरीके के अकोमोडेशन है. मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ वीडियोज़ में, जैसे आप एम्बर के साथ जा सकते हो, स्टूडेंट अकोमोडेशन ऑप्ट कर सकते हो. और अगर आपको थोड़े सही अकोमोडेशन चाहिए जो चीपेस्ट हो बट आप यूनि से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हो, देन यू कैन गो एंड सर्च योर अकोमोडेशन इन सबर्ब्स. मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न सिटी में उसके वेस्ट साइड में हूँ, तो वेस्ट साइड में आपके पास स्टारनेट, वेरीबी एंड पॉइंट कुक, हॉपर्स क्रॉसिंग, ये सारी चीज़ें हैं. मतलब ये सबर्ब्स है, छोटी छोटी सिटीज़ आप कह सकते हैं, वैसे सिटी नहीं है, छोटे छोटे जैसे हमारे वहाँ होते हैं ना टाउन्स वगैरह, तो ऐसी यहाँ से यूनि जाने में 1 घंटा लगता है. बट इट्स फाइन. मैंने कैसे चेक किया कि जब लास्ट 15 डेज बचे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था कि यार रीजनेबल रेट में कहाँ से कैसे मिलेगा, देन समवन सजेस्टेड मी अबाउट गमट्री. मैंने गमट्री में चेक किया तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोकल, जैसे मान लो कोई घर है उनको अब जैसे एक रूम रेंट पे लगाना है तो वो ना गमट्री में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, वो फेसबुक मार्केट में भी देते, तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से भी रूम ले सकते हो, आप गमट्री से भी ले सकते हो. गमट्री में आपके पास ऑप्शन आता है, आप अपना लोकेशन डालो, आपको क्या करना है, आपको जॉब भी आप ले सकते हो उससे, आप रेंट प्रॉपर्टी या हाउस भी ले सकते हो. तो मेरे को प्रॉपर्टी रेंट पे जीती, मैंने वो क्लिक किया और वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे कि कौन कौन सी जगह पे रूम्स खाली है. वहाँ पे ना आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ओनर की ही एडवर्टीजमेंट होती है, आप उनसे बात कर सकते हो, सेम एज लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक. तो उसमें आप उन्हें लाइक मैसेज कर सकते हो लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी, और आप उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट या बार्गिन कर सकते हो. बट मैं बताती हूँ, मेरे केस में थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि मुझे गुड लक था, क्योंकि मैंने करा तो बहुत जगह, मतलब मैंने 15 से 20 जगह प्रॉपर्टी चेक करी. आई वॉज ट्राइंग कि जहाँ पे मुझे सही रीजनेबल रेट में मिल जाए, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी. बट देन इस अकोमोडेशन के लिए मैंने पिंक किया और मुझे मेरे ओनर ने बोला कि लाइक उस टाइम पे अवेलेबल था, देन सडनली उन्होंने रिमूव कर दिया था. देन ही सेड इफ़ यू कमिंग हियर देन लेट मी नो, मे बी इफ इट इज़ अवेलेबल आई विल लेट यू नो अबाउट इट. तो मैंने उन्हें पिंक किया कि एक्चुअली हाँ मैं आ रही हूँ एंड मेरा कोई नॉन रिलेटिव नहीं है, काइंडली हेल्प मी. तो ही इज़ सच अ नाइस पर्सन और उन्होंने मुझे हेल्प किया अकोमोडेशन के लिए. और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि एक्चुअली ना गमट्री में क्या है, उसकी एप्लीकेशन अगर इंडिया में नहीं चलती तो मैंने वेबसाइट यूज़ की थी, तो वेबसाइट यूज़ कर लेना. और वेबसाइट में ना मैं रोज एक दिन लॉग इन करती थी तो कॉन्वर्जेशन सही से नहीं होती, देन वी हैव एक्सचेंज अवर नंबर. उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई प्रॉपर्टी की, उसके बाद मैंने बात करी व्हाट्सएप पे, मुझे उनसे कॉन्टैक्ट किया और प्रॉपर्टी की फोटोज़ वीडियो आई, आस्क हिम कि प्लीज़ इफ़ पॉसिबल कैन यू शेयर, क्योंकि मैं यहाँ आकर के इंस्पेक्ट नहीं कर सकती थी, उतना टाइम मेरे पास नहीं था. तो उन्होंने मुझे फोटोज़ वीडियोज़ भेजी, मैंने चेक किया कि ये वहाँ से कितना दूर है एंड ऑल. आई जस्ट केम हियर, आई नो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क कि आप डायरेक्टली बिना इंस्पेक्ट के आ रहे हो, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड मैंने प्रॉपर्टी अच्छे से चेक कर ली थी ऑनलाइन, लाइक वीडियो मांग ली थी, फोटोज एंड पूरा सारा कुछ, सारे उन्होंने मुझे बॉन्ड, मिनिमम स्टे और रेंट वगैरह बताया, तो आई वॉज ओके विद डेट. और इस तरीके से मैंने अपना अकोमोडेशन बुक किया. जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैं डायरेक्ट इस अकोमोडेशन में आ गई. तो बट मेक श्योर करना कि कोई भी आप अकोमोडेशन बुक कर रहे हो तो पहले तो इंडिया से पेमेंट करके मत आना, यू विल बी गेट ट्रैप्ड. और मैंने इंडिया से पेमेंट नहीं की, सर जब आप आओगे तभी आप पेमेंट कर सकते हो. तो ऐसे ओनर्स ढूंढो जो एक्चुअली जेन्युइन है एंड जेंटल है ताकि आपको हेल्प हो जाए. एंड गाइस बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रिलेटेड टू इमिग्रेशन प्रोसेस और आप अपना वीज़ा फाइलिंग करवाना चाहते हो फॉर एनी कंट्री, सो गाइस इट्स रियली हार्ड कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर पाऊँ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब कमेंट्स पे. मैं ट्राई कर रही हूँ, बट फॉर द फास्टेस्ट रिजल्ट एक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ उसे एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन गेट ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू द इमिग्रेशन स्टडी प्रोसेस. आई हैव माई ओन सर्विसेज विद डंगवाल ओवरसीज विच विल हेल्प यू टू गेट योर डिजायर लाइक स्टूडेंट वीज़ा. और इसमें आपको हम सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ हेल्प करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फेक पाथवे. एंड सेकंड चीज, अकोमोडेशन से रिलेटेड या फिर आपके एजुकेशन लोन से रिलेटेड और एल्स आपके कोई भी कंट्री का अगर आपको वीज़ा लगाना है, यू कैन इजीली कम हियर. एंड अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हो जस्ट लेट अस नो, आप रजिस्टर करो, माई टीम विल कॉल यू एंड वी विल वर्क ऑन योर प्रोफाइल वेरी क्लोजली. वी वोंट चार्ज एनीथिंग विच यू हैव टू बी पैनिक कि जैसे और एजेंट्स मांगते हैं, वी आर नॉट लाइक दैट. सो वी आर गोइंग टू वर्क इन अ जेन्युइन प्रोसेस. सो इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी और वॉन्ट अन इंस्टेंट रिप्लाई, जस्ट एक्सेस दैट लिंक एंड आस्क यू क्वेरी विद मी एंड माई टीम. एंड आई हैव माई ओन एक्सपर्ट्स हु हैज 9 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इमिग्रेशन प्रोसेस, सो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस. एंड लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो गाइज. तो अगर आपको भी ऐसे अकोमोडेशन चाहिए, मेक श्योर पहले आप देख लो कि किसके अकोमोडेशन में जा रहे हो, सबके अकोमोडेशन के अलग रिक्वायरमेंट होती है. मुझे किसी ने बोला था इफ़ यू आर पंजाबी देन ओनली वी विल वेलकम यू, बट मैं पंजाबी नहीं थी, मुझे बोली नहीं आती थी. तो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, बट कोशिश करना 20-25 जगह जितने भी आपको दिख रहे हैं टारनेट पर आप डाल सकते हो. जैसे मेरी प्रेफरेंस है टारनेट, हॉपर्स क्रॉसिंग,
पॉइंट कुक और वेरीबी, तो इसमें ही मैंने देखे थे और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया मिला था। और यहाँ पे आकर के मतलब मुझे ये फील हुआ कि अकोमोडेशन मतलब जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ के ओनर ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी जेंटल। तो मतलब सच बताऊँ तो थोड़ा बहुत मैंने रिस्क लिया था, बट मैं ही नहीं होंगी आप रिस्क लो। अगर आपके यहाँ पे नोन्स है फ्रेंड्स आप यहाँ उसके बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट कर लो, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करके बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन ही करना है। आप देख लो, बात कर लो, देन यू कैन कम हियर फॉर द इंस्पेक्शन। बट मेरे को उसका भी टाइम नहीं था, दैट्स द रीज़न मैंने घर से ही ये बुक कर लिया था और मैं डायरेक्टली यहाँ पे आई। जो मेरा बॉन्ड है और मतलब मिनिमम स्टे है 3 मंथ का एंड बॉन्ड आई हैव पेड फॉर $200। और ऐसा बहुत कम होता है जब आपको ऐसे सही ओनर मिलते हैं जो मतलब ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते हैं, एंड बी लाइक ओके फाइन एंड ऑल। तो ऐसे ही हुआ और मैंने एडवर्टीजमेंट भी डाली थी कि एक रूम की, तो या आई हैव सजेस्टेड इट वन ऑफ माई यूट्यूब सब्सक्राइबर, शी इज़ माई फ्रेंड नाउ। आप उसे देख सकते हैं मेरे इंस्टा शॉर्ट्स पे एंड यूट्यूब वीडियोज़ में आपको दिख जाएंगी। तो अभी वो यहाँ पे है एंड शी इज़ गेटिंग द सेम फैसिलिटीज़ एंड वी आर रियली हैप्पी विद अवर प्लेस। अगर आपने मेरा अकोमोडेशन का वीडियो नहीं देखा, यू कैन गो एंड चेक आउट द होल अकोमोडेशन, इट्स टू गुड एंड प्रिटी। एंड अब थोड़ा सा रूम वगैरह की सेटिंग भी चेंज कर ली है। सो गाइस जस्ट लेट मी नो अगर और भी कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू इफ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू द इमिग्रेशन वीजा प्रोसेस। एंड इफ यू वॉन्ट इंस्टेंट रिप्लाई ऑन द इमिग्रेशन प्रोसेस क्वेश्चन और यू वॉन्ट फ्री कंसल्टेंसी, देन यू कैन कम हेयर, यू कैन ऑप्ट द डंगवाल ओवरसीज सर्विसेज। So that's all about today's video guys. Bye bye, take care, see you in my next video.